घर की माँ, घर की चाची, यही खाना खा के ये बच्चा बड़ा हुआ है। देखो माँ की आँख कर दी, खाने में नहीं छोड़ा, खाने में मतलब सब सोचेंगे मैं अभी भी हाय दैया पे बैठी हूँ, है ना। अरे ही इज अ स्वीट हार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे, क्योंकि ये जब घर से चले गए थे ना तब हमने ये सब चीज़ें मिस की थी, लेकिन अच्छा हुआ चले गए इसलिए मैं बन गया। नहीं तो विकास बन जाता। और हम चाहते हैं कि हमेशा हमेशा ये ऐसे ही हंसते रहे और खुश रहे और बहुत उस घर में भी इन्होंने झगड़ा नहीं किया कभी मेरे साथ, इन तीनों ने भी। एंड आई वॉज द बेस्ट पर्सन, बट मैंने इन लोगों के लिए जगह मैंने इन लोगों के लिए जगह छोड़ दिया। दिमाग का इलाज करवाना चाहिए अगर वो ऐसा मानते हैं। उनको ऐसे रियलिटी शो में जाना चाहिए जहाँ पर वो खुद ही डिसाइड करे कि कौन विनर होगा। हाँ एग्जैक्टली। और तो वो जीत जाएंगे, जो भी इस शो में जीता, सेकंड थर्ड वोट आया, वो पब्लिक ने डिसाइड किया और बहुत अच्छा डिसाइड किया कि हर किसी ने अपने हिसाब से किया। और उसके बाद हेलो किसी को भी कहते ना हमारा एकदम बढ़िया। मैं तो ये डिस्कस भी नहीं कर सकता, मैं बहुत पहले निकल गया था, बट बाहर से जो देख रहा था दे वर वेरी गुड प्लेयर्स, जो भी आप लोग देख रहे थे, मैं अंदर भी था और बाहर भी था, ब्रिलियंट। मतलब आप दोनों की केमिस्ट्री जो थी ना। हाँ सुना आपने, मेरे पास कोई काम नहीं है। और आई थिंक शिल्पा, शिल्पा जो है वो क्वालिटी वर्क बिलीव करती है, मैं सच में क्वालिटी वर्क बिलीव करती हूँ, और जब तक मुझे वो किक नहीं लगती तब तक मैं वो नहीं कर पाती। और मुझे वैसा कुछ चाहिए कि अच्छा हो, बिकॉज मैं खुद बिग बॉस नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस कर लिया तो जब जब मैं दिल से सोचती हूँ कि मुझे वो करना है तो वो बेस्ट होता है, तो मुझे वो चाहिए वो कि कुछ अच्छा हो तो मैं करूँगी। इमेजिन करिए, नहीं चाह रही थी फिर भी जीत गई, चाहने से क्या करेगी। सलमान खान जी के साथ एक्चुअली जो स्क्रीन स्पेस हमने शेयर की है, जो इज्जत उन्होंने मुझे दी है, बेसिकली जो रिस्पेक्ट दी है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। एक्चुअली उसमें बहुत कुछ खुश हूँ मैं, और आई थिंक नहीं एक्सपेक्ट कर सकती उनसे कुछ भी सीरियसली। तो विनर्स के बाद दुनिया कितनी बदल चुकी है आपकी, और अच्छा लग रहा है। मुझे जिस तरीके की मैं हूँ, टू बी फ्रैंक, मुझे इज्जत मिलती थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी नहीं मिलती थी, लेकिन अभी बहुत जेन्युइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर सकती ज़्यादा, और शायद उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो भी थी रियल थी, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। तो जी नहीं, मुझे थैंक यू, चलें।